हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आदित्य कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन तैयारी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट बच चुके हैं रात के 9, यानी टाइम हो चुका है मैथ्स प्राइम टाइम का। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का कॉन्सेप्ट। कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 से लेकर के 100 तक के डिजिट्स का नंबर का स्क्वायर हम किस तरीके से निकाल सकते हैं सिर्फ 10 सेकेंड के अंदर। तो चलिए फिर देखते हैं, आज उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और आज हम देखेंगे 101 से अगर 1000 तक के बीच में कोई नंबर है तो उस नंबर का स्क्वायर कैसे हम बहुत ही जल्द निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, एज्यूम करिए हमारे पास नंबर है 216। अब 216 का नियरेस्ट हमें इसको जीरोज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि देखो अगर जैसे 210 हो जाए या 200 हो जाए तो मल्टीप्लाई करना बहुत इजी हो जाता है वहाँ पे। तो इस 216 को मैं बनाने की कोशिश करता हूँ 200। तो इस 216 को 200 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस का 16 करना पड़ेगा, तो बन गया 200। और उस 200 को फिर से 216 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 16 प्लस करना पड़ेगा। क्लियर? यानी जो डिजिट ऊपर माइनस होगी वही डिजिट ऊपर प्लस होगी। इस वाले डिजिट को हमें नियरेस्ट जीरोस में कन्वर्ट करना होता है। तो ये बन गई इक्वेशन। अब ये देखो 216 और 16, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है 256। 16 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 256। क्लियर? अब एक चीज देखो, 216 में से 16 गया तो बचा कितना, 200। इस 216 की मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 216 में ये 16 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 232। क्या हो गया, 232। अब देखो मजेदार और मेन चीज अब शुरू होती है। इस वाले डिजिट को देखो, ये जो 200 है यहां पर 20 है, यहां पर है 20। तो ये यहां से हम लास्ट के भी दो नंबर ले लेंगे 56। यानी जो हमारा आंसर होगा, हमारे आंसर में 56 तो जरूर ही आएगा, 56 जरूर आएगा। और जब आपने यहां 20 से ये दो डिजिट सेलेक्ट कर ली, इन दोनों जीरो का काम वहीं पर खत्म हो जाता है। अब क्या करेंगे, इस 232 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 4, 2 × 3 = 6 और 2 × 2 = 4, ये कितना हो गया 464। ये जो बचा हुआ 2 था, इस 2 को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 466। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 46656। तो 216 का स्क्वायर क्या हुआ स्टूडेंट्स, 46656। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देख कराता हूं तो आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें स्क्वायर निकालना है, वो स्क्वायर निकालना है हमें 878 का स्क्वायर। क्लियर? अब 878 किसके पास होगा, 878 900 के पास है। तो 878 को 900 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, 878 को 900 बनाने के लिए मैं यहाँ पे 22 ऐड कर सकता हूँ। अगर 22 ऊपर ऐड हो रहा है तो नीचे 22 क्या हो जाएगा, माइनस। अगर 22 ऊपर माइनस हो रहा होता तो नीचे 22 ऐड होता। क्लियर? अब आ जाते हैं फिर से, 22 का स्क्वायर देख लेते हैं क्या होता है। 22 का स्क्वायर होता है 484। 22 का स्क्वायर होता है 484। 878 में 22 जोड़ा तो कितना आएगा, 900 इंटू 878 में से 22 घटा दो, 8 में से 2 गया 6, 7 में से 2 गया 5, तो कितना बचा, 856। ये 20 थी, सेम करना है, 20 थी तो इन 20 को हटा दिया और यहां से ले लिया 84। क्लियर? ये 4 बचा हुआ है। अब 9 की मल्टीप्लाई कर दोगे 856 से, तो 9 × 6 = 54 का 4, हासिल लगाया 5, 9 × 5 = 45, 5 × 50 = 0, हासिल लगा 5, 9 × 72 और 5 = 77, तो कितना हो गया 7704। बट ये 4 और है मेरे पास, तो इस 4 को भी ऐड कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 770884। 770884। क्लियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा।
तो चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अब एज्यूम कर लीजिए कि नंबर 100 के आसपास नहीं होता, मतलब 800 के आसपास नहीं है, 900 के आसपास नहीं है, 500 के आसपास नहीं है, तब हम क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए हमें स्क्वायर निकालना है 648 का स्क्वायर, 648 का स्क्वायर निकालना है हमें, तो 648 के स्क्वायर के सबसे नियरेस्ट वैल्यू कौन सी हो सकती है जो जीरोस के फॉर्म में हो? तो ये क्या होगा, किसके पास हो जाएगा? ये लगभग हो जाएगा 650 के फॉर्म पास, 650 के पास हो जाएगा ये। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, 648 को 650 बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस का 2 कर दूंगा और यहाँ पे कर दूंगा माइनस का 2, यहाँ पे प्लस 2, यहाँ माइनस 2, क्लियर? अब एक चीज़ देखते हैं, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 0, 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट, 0, 4, 648 और 2 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 650 मल्टीप्लाइड बाय, 648 में से 2 गए, 646, क्लियर? अब एक चीज देखिए, यहां पर एक जीरो है तो यानी 4 तो होगा ही होगा, बट अगर मैं 65 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी आगे, तो मैं क्या कर देता हूं। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। अब मान लेते हैं अगला क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है 648 का स्क्वायर। अब आप लोग कहेंगे सर ना तो ये वाली वैल्यू 600 के पास है ना ये वाली वैल्यू 700 के पास है, तो अब इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे? तो ये वाली वैल्यू किसके पास है, ये वाली वैल्यू है 650 के पास, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 648 को 650 बनाने के लिए प्लस 2 किया जा सकता है, और अगर ऊपर प्लस 2 कर रहा हूँ मैं तो नीचे करूँगा मैं माइनस 2, क्लियर? 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0, 4, क्लियर? 648 और 2 को जोड़ूंगा तो आएगा 650 मल्टीप्लाइड बाय, 648 में से 2 गए, 646, बट मुझे क्या करना है, देखो अब यहाँ पर सिर्फ एक जीरो है बट मुझे मिनिमम 2 जीरो लेनी ही लेनी है, मुझे मिनिमम 2 जीरो चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कर दूंगा 6.5, मैंने यहाँ से 2 जीरो ले ली, एक ये वाली और एक ये वाली, इस वैल्यू को मैंने बना दिया 6.5, यानी यहाँ से ये दोनों जीरो उठा लिए मैंने, 0, 4, क्लियर? अब ये 6.5 से मल्टीप्लाई करनी है, जीरो हटा देते हैं, अब 6.5 को मैं लिख सकता हूँ 65/10, यानी 5×13 = 65, 5×2 = 10, इस 2 से इसे काट दूंगा मैं, 2×3 = 6, 2×2 = 4 और 2×3 = 6, यानी 13×3 = 23, 13×3 = 39, 13×3 = 39, हासिल लगाया 3, 13×2 = 26 और 3×29 = 9, हासिल लगा 2, 13×3 = 39 और 2×41, तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 411904, क्या है स्टूडेंट्स आंसर, 411904। अब आप लोगों को ये चीज़ ध्यान देनी है कि देखो जब कभी भी यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 आएंगे स्क्वायर, आपको कोशिश ये करनी है कि आप 2 डिजिट्स में ही लिखो, 4 है तो 04, 9 आ रहा था तो 09, 1 आ रहा था तो 01, और यहाँ पर जितना इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो कैलकुलेशन को उतना इजी करो। अब एक अगला क्वेश्चन और कराता हूँ तो वहाँ से और अच्छा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को, तो चलिए देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एज्यूम कर लीजिए हमें स्क्वायर निकालना है 754 का स्क्वायर। 754 किसके पास हो सकता है, 754 पास है 750 के, यानी यहाँ पर मैं क्या करूँगा स्टूडेंट्स, माइनस 4 प्लस 4 आए, 754 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा, 750 मल्टीप्लाइड बाय 758, 4 का स्क्वायर 16। अब यहाँ पर एक जीरो है, 75 से गुणा करूँगा तो दिक्कत आएगी, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डिवाइडेड बाय 100, हर बार वही करते थे डिवाइडेड बाय 100, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाती थी और वहाँ पे रिफ्लेक्ट करवा देते थे, तो यहाँ पर मैं 2 जीरो लेकर आया पूरी पिक्चर में, तो यानी 16 तो आएगा ही आएगा आंसर में, क्लियर? अब इसको सॉल्व करते हैं, देखो 5 से काट दो, 15, 5×2 = 10, ये वाली वैल्यू 2 से काटो, 37×2 = 74,
एक और आठ यानी दो नीम 18। अब 15 की गुणा कर दो 369 से, तो 15 9 135 का आया 5, हासिल लगाया 13। 15 7 105, 3 8 और 10, 15 7 105 और 3 108 10 यानी 118, 118 का 8, हासिल लगा 11। 15 3 45, 10 55 और 1 56। तो मेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, 568516। क्लियर। तो स्टूडेंट ये थी आज की क्लास, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये पूरा प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बस आप लोगों को क्या ध्यान देना है, देखो जैसे मैं आप लोगों को पहले समझा रहा था तो एक चीज़ देखो वहीं से ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अगर मान लो मैं ये 200 ले रहा था और ये 20 में ख़त्म कर दे रहा था, इसका मतलब क्या था, मैं इसको 100 से डिवाइड कर रहा था। इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा था, इसको मैं 100 से डिवाइड कर रहा था। तो इस वजह से जो 750 वाले जितने भी केस बन रहे हैं, जहाँ पे 750 आया या 850 आया, अगर मुझे दो डिजिट्स चाहिए क्योंकि स्क्वायर निकालना है तो डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ रहा है। अब उम्मीद करता हूँ जो कन्फ्यूज़न आप लोगों को थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में आया होगा वो कन्फ्यूज़न अब आप लोगों के मन से दूर हो चुका होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आज की क्लास का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और आप लोगों ने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जितने यूज़र्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप सभी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को सारी मैथ्स की क्लासेस और भी अदर सब्जेक्ट्स की क्लासेस आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहा करें। और स्टूडेंट्स फिर कल देखते हैं सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक्स का एक नया धमाका, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नए तरीके से हम देखेंगे कि क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल रात को 9 बजे। आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए पूरी ऑनलाइन तैयारी टीम की तरफ से ऑल द बेस्ट।